एक तरह सूरज जहां आपका गोला बनकर अंगारे बरसा रहा है, वहीं प्रदेश में जल संकट की समस्या के कारण हाहाकार मच गया। प्रदेश में अधिकांश क्षेत्र में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। उज्जैन में एक दिन छोड़कर पानी दिया जा रहा है, वो भी गंदा, जिससे नाराज महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर हंगामा किया। धार्मिक नगरी उज्जैन में जल संकट की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके चलते बूंद बूंद पानी के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। वही उज्जैन नगर निगम द्वारा एक दिन छोड़कर पानी दिया जा रहा है। मंगलवार को शहर के ढांचा भवन क्षेत्र में नल से गंदा पानी आया, जो पूरी तरह से लाल था, जिसकी शिकायत उन्होंने निगम प्रशासन से की। किस तरह का पानी आ रहा है? ये गंदा पानी आ रहा है, लाल पानी। पीने लायक तो है नहीं। इधर गर्मी हो रही, बच्चे बीमार हो के नहीं। ये बता कितना दिन में, एक दिन छोड़ के आता है, वो भी ढंग का पानी नहीं आता है। वो बोरिंग में चलती है तो चार कैन भरते तो बोरिंग भी बंद हो जाती है। कितनी पूर्ति करती बोरिंग। ये देखो ना सर, आप देखिए कैसा आ रहा है, कैसा पानी आ रहा है। बहुत दिन से लाल कलर का पानी आ रहा है ये, और बहुत गंदी वाला, मतलब इतना रोज, बहुत समय हो गया हमको परेशान, नहीं तो नहा सकते हैं, नहीं पी सकते हैं। कहाँ से व्यवस्था कर रहे हो फिर आप? वो एक बोरिंग है, वहाँ से देते दो दो केन, तीन तीन केन, दिन भर चलती है। इधर PHI के इंजीनियर का कहना है कि क्षेत्र की पाइपलाइन फूट गई थी, इसमें ईंट का चूरा मिल जाने के कारण इस प्रकार का पानी सप्लाई हुआ, जिसे जल्द ठीक कर लिया जाएगा। उज्जैन से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट।